गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके व्लॉग्स। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम राइड कर रहे हैं। तो प्लान ऐसा है कि अभी हम होशियारपुर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक कुका फॉरेस्ट है और एक शिव जी का मंदिर है मुकेरिया के पास। तो वहाँ जा रहे हैं आज की राइड, संडे राइड। तो वहीं से फिर आगे का प्लान आपको डिटेल में बताऊंगा वहां पहुंच के। थोड़ा सा तो जर्नी करते हैं स्टार्ट, काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो प्लान आगे आके बताता हूँ, करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगे। तो लेट्स स्टार्ट। नहीं कोई नहीं भेजना। ओके जय शंकर, कृपा करो। जय शंकर जी। स्वागत आपका फिर से मेरे चैनल एके व्लॉग्स में। तो आज है संडे, तो आज की राइड लंबी होगी क्योंकि आगे का प्लान आपको थोड़ा बैठ के कार से बताता हूँ। अभी घर से निकला हूँ, जो राइडर है मेरे साथ और वो वेट कर रहे हैं आगे। ये हाईवे हमने पे आ गए हैं। अभी तो वैसे हाईवे नहीं है, जो बटाला और गुरदासपुर यही पे जाती है मेन सड़क, जो रोड है वही है। आउटर से ये बीच में से हमारे घर के पास, वहीं से हम जा रहे हैं। ये है बटाला रोड, तो अभी हम बटाला रोड की तरफ जा रहे हैं। दो खड़े हैं सामने, दो राइडर पहले सीधा बोलेंगे लेट ये वो तेरे साथ नहीं बजे नहीं तारा बनने के टाइम लगा, जैसे कहा था ये होगा वो हो गया। एज यूजुअल ये पीले ने साथ, पीले ने हेलमेट नहीं डाला। वेदर तो एकदम मौसम है, बाइक राइड करने का अच्छा टाइम है। बारिश ना हुई तो, अगर बारिश हुई तो मुश्किल ही है। वैसे मैंने अपने लिए रेन कवर नहीं किया, बाकी मेरा लैपटॉप है और मैंने कवर कर लिया है। तो अभी हम बैठ कर रन करेंगे। माइक की प्रॉब्लम है मेरे को, माइक मैं जस्ट नहीं कर पा रहा। माइक का भी प्लान कर रहे हैं, मेन मुझे होती है लगेज की, जो कि लैपटॉप और ज़रा मैं कैरी करता हूँ, उसकी है। मैंने वो टॉप बॉक्स मंगवा लिया है, बाकी टॉप बैग मंगवाऊँगा अगली राइड पे पक्का, वो साथ कैरी करूँगा। मुझे भी खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है राइड पे, तो जो मैं तरफ से मैं आया हूँ। तो ये हाईवे यहाँ से, ये मेन हाईवे, जब आप अमृत तो बाहर दिल्ली से जहाँ करे उस तरफ से आओगे तो ये वाला रास्ता आपको हाईवे टच करेगा पठानकोट जे एन की तरफ यहाँ से। तो ये सिटी की तरफ है पीछे, जो मैं जिस तरफ से मैं आया हूँ, तो ये मेन हाईवे है। अगर आप अमृतसर आओ तो वो सिटी से आओगे, अगर बाहर से गोल्डन टेम्पल की तरफ आ रहे तो उधर की तरफ से आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत अच्छा हो चुका है, अब लगता है कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो गर्मी में बुरा था, काफ़ी टाइम बाद अब राइड पर निकला हूँ, तो अच्छा लग रहा है। वैसे आपको पता है कि मैं चंडीगढ़ जॉब करता हूँ, संडे सैटरडे संडे में अमृतसर घर आ जाता हूँ फ्राइडे को। तो आज संडे है, ठीक है, जो है वो तो हमने ख़त्म कर लिया है। मैंने आपको मेरी वीडियो में देखा होगा पुरानी, जो मैंने अभी बैटरी बैकअप का 200 का लिया है, वो ही चार्जर रात में उसकी जो दिक्कत तो ख़त्म होनी है, चार्ज का जल्दी करना है, वो तो
पे हमारा अभी 680 का घूमता है। चलो थोड़ा सा इसको भी घुमाएँ, वहाँ पर मिले बाइक भी। तो अभी हम अमृतसर से निकले हैं, कत्थू नंगल पहुँचे हैं। बटाला अभी होगा यहाँ से 10 किलोमीटर। तो अभी चेन लूप करनी थी, वो रह गई थी, अभी वो चेन लूप कर ली हमने। तो अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने राइडर और फिलिन के साथ। ये है करण शर्मा, मेरे एक कॉलेज फ्रेंड है। तो हमने काफ़ी राइड की है तो आज ये होता है पुणे में। तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो यहीं पे है, तो इसको आवारा करते कराने ले घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है। ये छड़े छड़ान वाइफ को भेज दिया पुणे और यहाँ पे घूम रहे हैं हम हमारे साथ तो अभी हम मिलते हैं आगे। पौने नौ तो अभी हम 8:15 निकले थे घर से, तो ये लेट थे तो हमें तो पैकिंग करनी पड़ती है। ये तो अपना एक शर्ट पहन के आ गए हैं, हमें पूरा दाम दाम देखो पीछे बांधना पड़ता है। बाकी दूसरा राइडर फोन पे बिजी है उनका, वो बने हुए हैं ऋतिक रोशन साथ साथ काम चल रहा है उनका जिंदगी में ऋतिक रोशन बना हुआ है, इसका फ़ोन उठा के फेंकना पड़ेगा मेरी बात। कप कट को भी पेस्ट चल रहा है उनका, ये कट कर दो ये पेस्ट कर दो वहाँ पे। चलो मिलते हैं फिर आगे कहीं पे। ये कह रहे हैं भूख लगी इनको सुबह, अभी 9 बज चुके हैं। घर पे कितना बजे करते हो ब्रेकफास्ट? घर पे मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock। 8 o'clock वो अच्छा जी, तभी इनको भूख लग गई। ऑलरेडी ओके चलो मिलते हैं फिर आगे, ब्रेकफास्ट का प्लान करते हैं, कहाँ बैठना है हमने। बाय 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 बाय। तो ये है कि 1300 का तेल डल चुका है, बाकी फुल करा लिया टैंक हमने। तो अभी चला है 1994 किलोमीटर, तो देखते हैं कितनी राइड होती है आज। बाकी 15-20 किलोमीटर हम यहाँ से आ चुके हैं अमृतसर से, तो दोनों राइडर पे फुल हो चुका है। आगे मौसम अच्छा है, अब हमने टेंशन नहीं है। हम जाएंगे गुरदासपुर, पहले जाएंगे गगन का टिल्ला जो कि शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ से हम आगे प्लान करेंगे किस किस तरफ जाना है। मौसम अच्छा है, ये है कि बारिश नहीं हो रही है, प्लान बारिश का वो वेदर बता रहा था पहले, और मैंने देखा सुबह वेदर था। तो अभी ठीक है कि आप राइड कर सकते हो, तो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर पड़ता है हमें। लाइक कर रहे हैं वैसे ही, इस वीडियो को भी लाइक करना, तो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करना। तो आगे अच्छा रिस्पॉन्स है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, आगे वीडियो की अच्छी अच्छी आएंगी। प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ी राइड के लिए, ऑफिस से छुट्टी का प्लान नहीं हो पाता, ये वो मुश्किल पड़ जाती है। बाकी वो मिलियन एक मिलियन है जो मैंने आपको लिखे था और मैं संडे था उसके राइड देख ली, मुझे बढ़िया भी प्लान कर रहे हैं कि बड़ा बाइक से जा सके। मुझे मेरी छुट्टी का इशू होता है, फिर छुट्टी नहीं मिल पाती ऑफिस में, सभी का होता है ऑफिस में। चलो मिलते हैं फिर आगे, नहीं ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं गुरदासपुर, होगा यहाँ से 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर होगा। हाईवे पे है ये, पीछे हमारी बाइक्स लगी हुई हैं, ये हाईवे है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पराठे ऑर्डर कर लिए हमने। तो बाकी सब बढ़िया है, बाइक अभी तक ठीक है, थोड़ा सा चेंज ठीक करवाई है मैंने, वो लूज़ रहती है, पता नहीं क्या इशू है इसका रॉयल एनफील्ड का, अभी नया भी डलवाई है फिर वो लूज़ लग रही है। अभी देखते हैं थोड़ा सा राइड करके पता चलता है कितनी किलोमीटर है वो चलाने के लिए। तो
पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें। परांठे आ चुके हैं, ये भाई साहब ने कहीं करल ऑर्डर किया है, हमने चाय ऑर्डर की है, ये बैठ चुके हैं अपने खाने के लिए। ये मान पुना ढाबा पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी बज चुके हैं 10, तो निकलते हैं यहाँ से। अभी लगेगा हमें दो घंटे वहाँ पहुँचने में। ब्रेकफास्ट हो गया डन, ये रह गया किसी की बस भी आ गई हमारी, ये रहेगी शाम को 50 रुपये की, लगता है हड़ताल चल रही है। ये अब है सिंगल रोड और हमें इसी रफ्तार से जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ है यहाँ से 222 किलोमीटर, हुशियारपुर है 70, बारिश शुरू हो चुकी है, तो अभी इंजन ऑयल डलवाने लगा था, इंजन ऑयल कम है इसमें, तो वो डलवा के निकलते हैं। बारिश भी होने लगी शुरू, तो थोड़ा सा रुक गए यहाँ पर 19 किलोमीटर आ गया। हाँ थोड़ा ही। तो ये अभी हम आ गए मुकेरियाँ, ये है जलंधर हाईवे, पठानकोट जलंधर हाईवे फिर आएंगे। ये है पठानकोट की तरफ, ये जलंधर की तरफ, ये हम मुकेरियाँ। देखो टीवी का लाइट क्या लग रही है, लाइट कर रही है। हम जा रहे हैं तलवाड़ा की तरफ, ये सीधा पठानकोट की तरफ, जलंधर की तरफ। और ये है बारिश फिर से शुरू हो चुकी है जी, ये लगता है आज ऐसे रहेगा ना, बारिश में सब कुछ देखना पड़ेगा। वहाँ से सीधा इधर तरफ आ रहा हूँ मैं, जो मुकेरी की तरफ से वो सीधा जाएगा तलवाड़ा, यहाँ से चौक है ये जा रहा है सीधा हुशियारपुर और मनु के टिल्ले, तो इस तरफ अब जाना है इस तरफ से। बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना, इससे हम गीले हो चुके हैं, धूप का तो लग नहीं रहा कि धूप आएगी। ऐसा ऐसा जा रहे हैं यहाँ से सीधे टिल्ले के अंदर की तरफ, में से रास्ता है इधर से होके जा रहे हैं। ये न्यू प्लेस स्टोर किया है, ये है बीच में से रास्ता जा रहा है आप यहाँ से फिर। जा रहे हैं कुछ नाला सा लग रहा है कुछ, ये फॉलो करने लगे हुए हैं। तो लगी हुई है प्रॉपर में टाइम पे, मौसम तो लिखा हुआ था बारिश का। बारिश शुरू हो चुकी है, माउंटेन व्यू देखो आप कितना अच्छा है। बारिश थोड़ी सी रुक जाए ना अलग से आ जाएगा मज़ा। हेड़कंडी लिखा था 2 किलोमीटर, और ये माउंटेन शुरू हुआ। छोटे छोटे गांव हैं साथ में, ये जिला लोकेशन तो बड़ी अच्छी है। गंडी 1 किलोमीटर बूंदाबांदी हो रही है, हम पहुंच चुके हैं। पहुंच गए
ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸਾਲਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਉਤਰਾਈ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ प्राचीन मंदिर है ये गगन का टिल्ला। बारिश हो रही है साथ साथ तो वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। तो चाय हमने पी ली है, पकौड़े हमने खा लिए, तो ये वीडियो यहाँ पे हमने वो बाइक हमें दी वो सामने पार्क की हुई है बाइक, ये देखो बाइक पार्क की हुई है। ये मेन रास्ता यहीं से, ये पौड़ियाँ हैं पूरी, तो चलते हैं पौड़ियों में आगे मंदिर देखते हैं ऊपर जाके। ये लंगर लगा हुआ है जी साथ में, तो अभी ये सीढ़ियाँ हैं, पानी कितनी है हम जाके पता चलेगा, लिखा नहीं है कितनी सीढ़ियाँ। तो नीचे से आ गए हम बाकी आगे की तरफ चले। कितनी सीढ़ियाँ गई अभी भाग भाग के भाग भाग के जा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं अपना ताकि वो अगले शेड में स्टे और वहाँ पे जाके सांस ले थोड़ी सी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, ये देखो इन्होंने भी कोशिश की है। कितनी सीढ़ियाँ गई रेस्ट किन्नी लैनी है रेस्ट किन्नी लैनी क्या रेस्ट ले लैके चलेंगे अपन। वो भी मूर्ति के बैक साइड पे अभी जिनकी बैक साइड पे पास में घना जंगल बारिश पूरी हो रही है आज पूरा दिन लगी रही बारिश। ये मंदिर है जी, ये शिवा जी की मूर्ति अच्छी बनी हुई है, मूर्ति तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। नंदीगंज जी विराजमान है भोले बाबा के पास, जय नंदीगंज जी। आ गए मंदिर पहुंच गए, पूरा एफर्ट किया है जिन्हें उतार देंगे हम। मंदिर ये है, अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ भी आए, ये बैक साइड पे इनका चलते हैं अंदर। तो अभी ये मंदिर शिव जी का पुराना मंदिर है ये। तो यह मंदिर पूरा जी ये बाहर की तरफ है, अंदर भी चलते हैं दर्शन करते हैं अंदर जाके मंदिर में, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पीछे अब चेक करें पूरी
पूरा व्यू हम देख, ये देखिए व्यू चेक करें आप, कितना अच्छा बना हुआ है। ये पीछे लंगर हॉल लग रहा है, मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आप फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। बारिश हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा गीले हो चुके हैं, तो वैसे काफ़ी अच्छा है। लंगर हॉल है, लंगर बन रहा है यहाँ पे, तो आप लंगर भी खा सकते हो यहाँ पे। लंगर की व्यवस्था भी है यहाँ पे, पर किचन है तो लंगर बन रहा है, तो लंगर खा ले पहले, फिर करते हैं आगे। सेवा करते हुए फिर इनको मेवा मिलेगा, भोले शंकर मेवा देंगे इनको, मेवा ही दे रहे हैं। भोले शंकर मेवा देंगे कि नहीं देंगे? दे रहे हैं, दे रहे हैं। कौन सा दिया? ये नए इन्वेंटर आए हैं, कहते छतरी गिल्ली हो जाती है इसलिए निकाली नहीं हमने बारिश में, कहते उसके लिए भी कवर चाहिए हमें, तो कहाँ रखते हैं उसको? इन्हें कपड़े गीले करवा रहे, छतरी नहीं गीली होने दी हमने, वो हम घर वाले बोलेंगे गीली लेकर आए छतरी, मतलब बारिश हुई थी बारिश, हाँ इसलिए हमने बताना ही नहीं है। ये तो सूख जाएंगे अभी आधे घंटे में, धूप निकली तो अच्छी। रुक है क्यों नहीं हुआ? अभी नीचे जाके जलेबियाँ खानी है, अभी काले साहब जलेबियाँ खानी है, साथ में चाय पीनी है, दो कप चाय पिएगा, जितनी कैलोरीज बन गई फिर उससे डबल हम कंज्यूम करेंगे, बॉडी लूज ना हो जाए। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे काले साहब? यहाँ से नीचे उतर के देखो, कहाँ देखो क्या मतलब होता है? देखो बताओ कहाँ जाना हमने? आप बताओ। काले साहब ने तो जाना है चंडीगढ़, हमने जाना है अपने घर। चलो यहाँ से फिर उल्टा उल्टा रूट पकड़ लो, अपने अपने रूट पे निकल लेंगे। वैसे तो प्रोग्राम था हमारा कहाँ जाने का, कुकन फॉरेस्ट, तो अब कैंसिल है वो। और कहाँ था कैंसिल है? डोलबाहा डैम कैंसिल है वो दोनों? नहीं जाएंगे नीचे अभी देखते हैं बारिश का क्या हाल है। बारिश तो ऐसे ही लगेगी, तो फिर जाएंगे। बेल आइकन दबाएं, दबाया नहीं आपने बेल आइकन। दो दिन की टिल्ला से हम मंदिर मथा टेक चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे कोकोनट फॉरेस्ट, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है, तो अभी चलो मिलते हैं फिर आगे। कितना टाइम लगता है? 1 घंटे वहाँ से फिर चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो टाइम 3.5 घंटे दिखा रहा है वहाँ से, तो फिर वहीं पे मिलता हूँ।